जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं आपको 27 मई और 28 मई का करंट अफेयर पढ़ने जा रहा हूँ। ये जो करंट अफेयर मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूँ, ये करंट अफेयर चाहे स्टेट पीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या डिफेंस की कोई भी एग्जाम हो, ये सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये करंट अफेयर बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। लेकिन ये करंट अफेयर पढ़ते समय दोस्तों, जैसे आपकी एग्जाम नज़दीक आने वाली है तो आप एक साथ सभी वीडियोस नहीं देख सकते हो। तो इसके लिए आपने, जब आप वीडियो देख रहे हो उसी समय आपने इम्पोर्टेंट्स पॉइंट जो है अपने नोटबुक के अंदर लिखते रहना है, ताकि आपको एग्जाम के समय एक ही बार पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट है, पैर में मोच और गिरी हुई सोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। तो दोस्तों, अपनी सोच हमेशा अच्छी रखो। दूसरे के बहकाव में आकर के आप अपना पढ़ाई का, जो आपका डेली जो आप मेहनत कर रहे हो दोस्तों, उसको आपने नहीं बंद करना है। जैसे कोई बोलते हैं तो अभी लॉकडाउन चल रहा है, नौकरियां नहीं है, तो जब नौकरियां आएंगे तब पढ़ाई करेंगे दोस्तों, तो ये गलत सोच है। तो आपने कभी भी ऐसे सोच में रहना नहीं है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास समय है, इस समय का सही उपयोग कर करके आप अपना नॉलेज बढ़ाओ। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले देशों के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? दोस्तों, शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? दोस्तों, ये रहा है सिंगापुर। अभी भारत ने प्रत्यक्ष विदेश निवेश, दोस्तों इसी को बोलते हैं एफडीआई। क्या बोलते हैं? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले दोस्तों, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 49% थी, अभी दोस्तों कितनी हुई है? ये हुई है 74%। कितनी? 74% विदेशी जो है भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वाधिक हमारे देश में, सर्वाधिक भारत के अंदर अगर विदेशी निवेश आया दोस्तों, वो सिंगापुर से आया है। और वो कितना आया दोस्तों? 81.72 अरब डॉलर। इतना विदेशी निवेश भारत के अंदर आया है। सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर आया दोस्तों? तो वो आया है गुजरात के अंदर, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है फॉरेन से। और दो सेकंड नंबर पे दोस्तों अमेरिका। सेकंड नंबर पे अगर किसी ने भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, तो ये है अमेरिका। अमेरिका ने इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे है अमेरिका। आगे चलते हैं, और इससे संबंधित और एक क्वेश्चन था, सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश कौन सा है दोस्तों? सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है दोस्तों भारत। कौन सा है दोस्तों? भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला है। कितना रेमिटेंस? रेमिटेंस क्या होता है दोस्तों? ये जो रेमिटेंस है, रेमिटेंस होता क्या है? जैसे हमारे भारतीय नागरिक है, ये किसी देश के अंदर गए और उस देश में उन्होंने जो है वहां पर जितना धन कमा रहे हैं, वो धन भारत में भेज रहे हैं। तो इस तरह से जो धन भारत में आ रहा है विदेशों से, उसे बोला जाता है रेमिटेंस। और रेमिटेंस कमाने वाला सबसे ज्यादा रेमिटेंस कमाने वाला देश कौन सा है दोस्तों? वो है भारत। सेकंड नंबर पे कौन दोस्तों? चीन। सेकंड नंबर पे कौन दोस्तों? चीन है सेकंड नंबर पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बीते दिनों समाचार पत्रों में रहा डीडी मोका पर विकी फुंकी आई क्या फुकी फुंकी आई क्या है दोस्तों? ये जो है पौधे की नई प्रजाति दोस्तों। क्या है दोस्तों? ये पौधे की नई प्रजाति है। कौन सी? डीडी मोका पर विंकी फुकी आई दोस्तों, ये पाई गई अफ्रीका के अंदर। कहाँ पाई गई दोस्तों? ये अफ्रीका के अंदर जो है ये पाई गई है। और दोस्तों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 24 मई 2021 को भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल किस दवा कंपनी ने लॉन्च की है दोस्तों? ये जो है एंटीबॉडी कॉकटेल किस दवा कंपनी ने लॉन्च की दोस्तों? ये लॉन्च की है रोश और सिप्ला कंपनी ने। किसने की दोस्तों? रोश और सिप्ला कंपनी ने इसे लॉन्च किया दोस्तों। ये एक कॉकटेल दवा है दोस्तों। क्या ये कॉकटेल दवा है? इसको इसको जो दोस्तों
दोस्तों इन कंपनियों ने जो दवा निकाली दोस्तों, एक एक कासीरी विमैप, कौन सी दोस्तों, कासीरी विमैप, कासीरी विमैप और इमडीवी विमैप। और दोस्तों ये है इमडीवी मैप, इमडीवी मैप, ये दवाई दोस्तों मतलब एक तरह का ये इंजेक्शन है, इन दोनों के मतलब दोस्तों इंजेक्शन दिया जाएगा। और दोस्तों ये इंजेक्शन जो है, ये जो दवाई दोस्तों रोश इंडिया और सिप्ला कंपनी दोस्तों ये दवा निकाली है, इसका जो है मनुष्य के अंदर, मनुष्य के कोशिकाओं के अंदर जो वायरस की एंट्री इससे नहीं होगी। मतलब COVID-19 जो है अगर आपके शरीर में बढ़ रहा है तो उसको ये बढ़ने नहीं देगा। आपको पता होना चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इनको जब ये COVID-19 हुआ था तो उनके ऊपर जो दोस्तों इसी दवा का प्रयोग किया गया था। इस दवा की कीमत दोस्तों भारत के अंदर है 60,000 इसकी कीमत है। और आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, सिप्ला कंपनी ने और लॉन्च की दोस्तों COVID-19 RT-PCR टेस्ट किट भी दोस्तों सिप्ला कंपनी ने लॉन्च की थी। कौन सी RT-PCR जो टेस्ट किट थी दोस्तों, ये भी सिप्ला कंपनी ने लॉन्च की थी। उसका नाम था दोस्तों वीराजेन, उसका नाम था दोस्तों वीराजेन जो है उसका नाम था। और एक डिपकोविन जो दोस्तों एंटीबॉडी, डिपकोविन जो थी दोस्तों एंटीबॉडी, डिपकोविन ये एंटीबॉडी दवा थी दोस्तों, ये किसने लॉन्च की थी, ये की थी दोस्तों DRDO ने। इसको याद रखने का तरीका अच्छा है, दोनों का भी DD है दोस्तों, डिपकोविन DRDO ने लॉन्च की है, और सिप्ला जो जो COVID-19 RT-PCR टेस्ट किट है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों वीराजेन, ये क्या है सिप्ला कंपनी, इसको लॉन्च किया है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 25 मई 2021 को पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रख दिया दोस्तों। ये खिलाड़ी दोस्तों बलबीर सिंह सीनियर, कौन दोस्तों, बलबीर सिंह सीनियर, इनके नाम पे रख दिया दोस्तों। इनका हाल ही में, ये हॉकी के प्लेयर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल रह चुके हैं दोस्तों। कितनी बार, 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। 1952 में दोस्तों जब भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था दोस्तों, तो इन उस समय इनका जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्होंने 6 गोल किए थे, कितने 6 दोस्तों, 5 गोल किए थे, कितने गोल किए थे इन्होंने, 5 गोल किए थे हेलसिंकी ओलंपिक। उस समय दोस्तों किसके बीच में था ये, भारत वर्सेस नीदरलैंड, भारत वर्सेस नीदरलैंड में जब वर्ल्ड कप हुआ था उस समय जो है इन्होंने 5 गोल करके भारत को जीत दिलाई थी, इसलिए इनके नाम पे मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो दोस्तों इनके नाम पर रख दिया, इसका नाम बदल करके बलबीर सिंह सीनियर कर दिया है। और दोस्तों द गोल्डन हैट्रिक, ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी दोस्तों, कौन सी, द गोल्डन हैट्रिक, द गोल्डन हैट्रिक ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, द गोल्डन हैट्रिक ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, आपको पक्का ध्यान रखना है। देखो सबसे पहले मोहाली का जो स्टेडियम दोस्तों, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, ये बलबीर सिंह सीनियर इनके नाम पे रख दिया है दोस्तों। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ये है द गोल्डन हैट्रिक, इनकी ऑटोबायोग्राफी दोस्तों, ये भी आपने ध्यान रखना है। और हॉकी से रिलेटेड और आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का संबंध किससे है दोस्तों, पक्का इसको रखना लिख करके, सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी इसका संबंध किससे है दोस्तों, इसका संबंध है दोस्तों हॉकी से, इसका संबंध दोस्तों हॉकी से इसका संबंध है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या रख दिया दोस्तों, जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दोस्तों, देखो स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दोस्तों ये दिल्ली में है, कहाँ पर है, दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दोस्तों ये दिल्ली में है, इसका नाम बदल के
क्या रख दिया दोस्तों, इसका नाम बदल के रख दिया अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम इसका नाम बदल के रख दिया है। और ये जो हॉकी का स्टेडियम, सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम दोस्तों बनाया जा रहा है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है दोस्तों, ये बनाया जा रहा है राउरकेला। कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों, राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है दोस्तों। कहाँ पर बनाया जा रहा है, राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं, और इससे रिलेटेड 2018 का जो है वर्ल्ड हॉकी जो हुआ दोस्तों, ये भारत में हुआ था, और 2023 में भी जो होने वाला है दोस्तों, ये काफी होने वाला है, 2023 में भी भारत में ही होने वाला है। 25 आगे चलते दोस्तों, 25 मई 2021 को किसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया दोस्तों। दोस्तों केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है दोस्तों ये रहेगा 2 वर्ष के लिए, इनका कार्यकाल रहेगा। इन्होंने ऋषि कुमार शुक्ला के स्थान पर इन्होंने कार्यभार संभाला है दोस्तों। ये जो है इनकी जो नियुक्ति होती है दोस्तों, उस नियुक्ति के अंदर प्रधानमंत्री, उसके बाद लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है दोस्तों, और मुख्य न्यायाधीश भी इसके अंदर शामिल होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की, देखो किसकी बात चल रही है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसी को आप कहते हैं दोस्तों सीबीआई। सीबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1963 में, सीबीआई की स्थापना हुई थी। सीबीआई के संस्थापक और फर्स्ट निदेशक दोस्तों बोल सकते हो उसको, वो थे डीपी कोहली। कौन थे दोस्तों, डीपी कोहली दोस्तों पहले निदेशक किसके, सीबीआई के, और संस्थापक दोस्तों। ये जो सीबीआई है, देखो क्वेश्चन कैसे भी आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पहले गृह मंत्रालय के अंडर में आता था दोस्तों, किसमें आता था, गृह मंत्रालय के अंडर में आता था, लेकिन अभी सीबीआई गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं आता है दोस्तों। ये अभी वर्तमान में कार्मिक एंड लोक शिकायत मंत्रालय के अंडर में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आपने अपने नोटबुक के अंदर लिखते रहना, क्योंकि बहुत सारा पेपर में आ सकता है। अभी सीबीआई जो है गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं आता है, ये आता है दोस्तों कार्मिक एंड लोक शिकायत मंत्रालय, कार्मिक एंड लोक शिकायत मंत्रालय के अंडर में आता है। सीबीआई को जो शक्ति दोस्तों किस अधिनियम से प्राप्त होती है, तो दोस्तों सीबीआई को जो शक्ति है दोस्तों ये प्राप्त होती है दिल्ली विशेष पुलिस एक्ट 1946, दिल्ली विशेष पुलिस एक्ट 1946 के तहत सीबीआई को शक्ति प्राप्त होती है। तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, जैसे मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन दोस्तों, मुख्य सतर्कता आयुक्त दोस्तों संजय कोठारी, सब लिखते चलना, मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ये दोस्तों। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों यशवर्धन सिन्हा, यशवर्धन सिन्हा दोस्तों कौन है मुख्य सूचना आयुक्त। और मुख्य चुनाव आयुक्त है दोस्तों सुशील चंद्रा, कौन दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों सुशील चंद्रा। दोस्तों जितनी भी अपॉइंटमेंट है आपने इसको पक्का याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 24 मई से 1 जून, 24 मई से 1 जून 2021 तक होने वाले विश्व स्वास्थ्य सभा की 74वीं बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों ये अध्यक्षता की गई है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की 74वीं बैठक की अध्यक्षता की है दोस्तों।
जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहां पर दोस्तों? WHO का हेडक्वार्टर दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष है दोस्तों, अभी किसके, WHO के जो कार्यकारी अध्यक्ष है दोस्तों, ये डॉक्टर हर्षवर्धन। WHO के अगर अध्यक्ष आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, वो है डॉक्टर टेड्रॉस। कौन दोस्तों? डॉक्टर टेड्रॉस जो है इसके अध्यक्ष है। और दोस्तों WHO से और एक दो क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं। जैसे WHO ने एक कोवैक्स पहल अभी अभी शुरुआत की थी, इसमें भारत का एक राज्य शामिल हुआ है दोस्तों। वो राज्य कौन सा है दोस्तों? पंजाब। कौन सा है दोस्तों? पंजाब। वो पहल का नाम क्या है? कोवैक्स पहल, जिसके तहत जो गरीब देश है उनको उनके तक टीका पहुंचाना इसका लक्ष्य है। और भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया जा चुका है दोस्तों? जैसे स्मॉल पॉक्स आपने सुना होगा दोस्तों, चेचक, स्मॉल पॉक्स से भारत को बीमारी से मुक्त घोषित किया जा चुका है दोस्तों। ये WHO की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार लैब में मानव स्टेम सेल से एक कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है दोस्तों? ये किया है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है दोस्तों वियना, वियना ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल दोस्तों। और इसी के लैब में मानव स्टेम सेल से एक कृत्रिम मिनी हार्ट दोस्तों विकसित किया गया है। और ये जो हार्ट दोस्तों, ये 60 से 100 बार, कितने, 60 से 100 बार 1 मिनट में सेचुरेशन करता है दोस्तों। ये बना है स्टेम कोशिकाओं से दोस्तों, ये बना है। हृदय का कार्य होता क्या है दोस्तों? हार्ट का कार्य क्या होता है दोस्तों? हार्ट का कार्य होता है ब्लड को पंपिंग करना। क्या करना? ब्लड पंप करना, ये इसका काम होता है। तो अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बोला था कि किस, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट जो है इनका निधन हो गया दोस्तों। कौन थे वो कार्डियोलॉजिस्ट? के अग्रवाल। कौन दोस्तों? के अग्रवाल जो है कार्डियोलॉजिस्ट, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकते हैं दोस्तों। हृदय का पेसमेकर SA नोड को किसे कहा जाता है? SA नोड को हृदय का पेसमेकर कहा जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में श्रीलंका में बन रही कोलंबो पोर्ट सिटी का निर्माण कार्य किस देश को दिया गया है दोस्तों? ये जो श्रीलंका में जो कोलंबो सिटी दोस्तों, श्रीलंका की एक तरह के बोल सकते, श्रीलंका की कैपिटल दोस्तों कोलंबो, इसको जो है कोलंबो पोर्ट सिटी निर्माण करने का जो कार्य दोस्तों, ये चीन को दिया गया है। किसको दिया गया दोस्तों? चीन को दिया गया। आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में, चाइना इस तरह से कोलंबो सिटी को बनाएगा। आपने इससे पहले एक हम्बनटोटा जो दोस्तों श्रीलंका के, अगर आप देखोगे साउथ साइड में, एक सबसे लास्ट में साउथ साइड में हम्बनटोटा पोर्ट दोस्तों, कौन सा है? हम्बनटोटा पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट है। इस पोर्ट को बनाने का काम भी दोस्तों किसने किया है? चाइना ने ही इसका काम किया है। लेकिन ये जो श्रीलंका के अंदर इसका जोर शोर से इसका विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है इसका? क्योंकि श्रीलंका की जो संसद है वो भी बोल रही है कि बोला इससे हम क्या चाइना के गुलाम गुलाम बन जाएंगे। चाहे संसद के अंदर विरोध हो रहा है, लेकिन आपको पता ही, वहां पर राष्ट्रपति भी राजपक्ष है और वहां के प्रधानमंत्री भी राजपक्ष है। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और ये जो ठेका है किसका, कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने का, ये चाइना को दे दिया है। जैसे मतलब
और दोस्तों ये जो है भारत और श्रीलंका के अंदर भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज कराई जाती है दोस्तों? तो वो कराई जाती है मित्र शक्ति और स्लिनेक्स। पक्का ध्यान रखना दोस्तों, मित्र शक्ति और स्लिनेक्स ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो है भारत और श्रीलंका के बीच में कराई जाती है। स्लिनेक्स भारत का बस, चाइना का बस यही लक्ष्य है किसी भी तरह से भारत को चारों तरफ से घेरना। दोस्तों आगे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारत में ट्विटर की प्रतिद्वंदी कू ऐप कब लॉन्च किया गया? दोस्तों ये लॉन्च किया है मार्च 2020 में, इसे लॉन्च कर दिया है। अभी जो सूचना प्रसारण मंत्रालय दोस्तों, उन्होंने जितने भी नियम जैसे सोशल मीडिया के लिए उन्होंने रखे थे, वो सभी नियम जो हैं ये जो कू ऐप है दोस्तों, इन्होंने इसको माना है और उसी के आधार पे ये कू ऐप काम कर रहा है दोस्तों। तो ये ट्विटर का दोस्तों क्या एक तरह का प्रतिद्वंदी, यहाँ पर देख सकते हो आप कू ऐप को जो है, ये इंडियन कू ऐप है दोस्तों, ट्विटर का प्रतिद्वंदी है। आप इसको पक्का डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करते समय देखना कि यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर क्या है, इंडियन फ्लैग लगा हुआ है दोस्तों। और इसके जो कू ऐप के दोस्तों जो सीईओ है दोस्तों, ये अप्रमेय राधाकृष्ण दोस्तों। कौन है? अप्रमेय राधाकृष्ण जो है इस ऐप के सीईओ है दोस्तों। दोस्तों आगे चलते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस ऐप में जो है 30 मिलियन डॉलर का इसके अंदर इन्वेस्ट भी आ चुका है दोस्तों। किसके द्वारा? टाइगर ग्लोब द्वारा 30 मिलियन डॉलर का दोस्तों इसके अंदर फॉरेन एफडीआई के माध्यम से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ भी चुका है। 30 मिलियन डॉलर मतलब तकरीबन 218 करोड़ दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ भी चुका है। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वर्ष 2021 में देश भर में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई गई है? दोस्तों ये जो है बुद्ध पूर्णिमा दोस्तों 26 मई को मनाई गई है। विश्व भर में 2021 में बुद्ध पूर्णिमा 26 मई को मनाई गई है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दोस्तों? बुद्ध भगवान को दोस्तों जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी ये कौन से पेड़ के नीचे हुई? दोस्तों ये हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इनको कौन से नदी के तट के किनारे हुई? दोस्तों ये निरंजना, कौन सी? निरंजना नदी के तट के किनारे इनको ये ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और इनका जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये हुआ था लुम्बिनी। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी नेपाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। पेपर में दोस्तों, पेपर में क्वेश्चन आते हैं इसको पक्का अपने नोटबुक के अंदर लिखते चलना। सिद्धार्थ जैसे महात्मा बुद्ध दोस्तों, इनका 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है महाथी निष्क्रमण। धर्म चक्र परिवर्तन किस घटना को कहते हैं दोस्तों? सारनाथ वाराणसी, इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, इस घटना को कहा जाता है। महापरिनिर्वाण घटना कहाँ पर हुई दोस्तों? ये हुई कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण घटना कहाँ पर हुई दोस्तों? ये हुई कुशीनगर में। और बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को क्या कहा जाता है? दोस्तों बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को कहा जाता है स्तूप। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्तूप कहा जाता है। बौद्ध धर्म के धर्म किन दो भागों में विभाजित हुआ है दोस्तों? ये हुआ है महायान और हीनयान। पक्का ध्यान रखना दोस्तों, महायान और हीनयान इन दोनों में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ है। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अड्डू शहर में अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। यह शहर किस देश में स्थित है? दोस्तों ये जो शहर है मालदीव में स्थित है। कहाँ पर स्थित दोस्तों? मालदीव में यह शहर स्थित है।
दोस्तों ये अड्डू शहर है, ये मालदीव में है। यहाँ पर भारत जो है अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोल रहा है। कहाँ पर? मालदीव के अंदर पहला वाणिज्य दूतावास खोल रहा है दोस्तों। ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आप देख सकते हो ये मालदीव है, और चाइना जो यहाँ पर जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, और क्या बोलते हैं यहाँ पर श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान, इन सभी को अपने कर्जों के, जैसे नेपाल, इन सभी को अपने कर्जों में डुबा के भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के काउंटर में काउंटर कर उसी को काउंटर करने के लिए हमने मालदीव के अंदर जो है अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है, और इसके तहत जो है हम अपना निर्यात बढ़ा सकते हैं और दूसरे और अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते और सुधार सकते हैं। तो मालदीव के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? ये इब्राहिम मोहम्मद सालवे। मालदीव के राष्ट्रपति दोस्तों इब्राहिम मोहम्मद सालवे जो है ये मालदीव के राष्ट्रपति है। और मालदीव के साथ में हम कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं दोस्तों? मालदीव के साथ में हम इक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास करते हैं दोस्तों। कौन सा? इक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास जो दोस्तों हम मालदीव के साथ में करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है दोस्तों? प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये जो अवार्ड दोस्तों ये स्पेन का अवार्ड दोस्तों। किसका है दोस्तों अवार्ड? ये स्पेन का शीर्ष पुरस्कार दोस्तों ये, और ये पुरस्कार दिया गया दोस्तों अमर्त्य सेन, इन्हें ये पुरस्कार दिया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पक्का ध्यान रखना, क्योंकि अमर्त्य सेन इनको ही 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया दोस्तों। किसका? अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार कब दिया गया था इनको? 1998 में इन्हें अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार दिया गया था, और 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया दोस्तों। भारत रत्न इन्हें दिया गया। किसके लिए दिया गया दोस्तों? ये कल्याण, इन्हें जो नोबल पुरस्कार दिया गया दोस्तों, ये नोबल पुरस्कार इन्हें कल्याणकारी राज्य संकल्पना के लिए इन्हें ये 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अभी इनको जो स्पेन है, स्पेन की तरफ से इनको प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक, इनको भी साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और कौन से देश ने किया दोस्तों? वो किया दोस्तों कनाडा ने। कौन से पुरस्कार से? साहित्य गौरव सम्मान पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों। दोस्तों पॉवर्टी एंड फेमिनाइज क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से टपक सकता है। देखो करंट अफेयर में अभी अमर्त्य सेन जो है ये सुर्खियों में है, तो इन्होंने एक किताब लिखी दोस्तों पॉवर्टी एंड फेमिनिज। देखो पॉवर्टी एंड फेमिनिज, तो ये किताब का भी आपको पता होना चाहिए इसके लेखक कौन है। पॉवर्टी एंड फेमिनिज, ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसके लेखक भी कौन है। अमर्त्य सेन। स्पेन की राजधानी क्या है दोस्तों? पक्का ध्यान रखना, स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड। और मैड्रिड में दोस्तों COP26 का आयोजन भी हुआ दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? मैड्रिड के अंदर ही COP26 का आयोजन हुआ था। नहीं COP26 का नहीं दोस्तों, COP25 का। किसका हुआ था? COP25 का आयोजन हुआ था। और किंग ऑफ द क्ले कोर्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? किसका? किंग ऑफ द क्ले कोर्ट दोस्तों। ये भी खिलाड़ी स्पेन के ही है, उनका नाम क्या है? राफेल नडाल। मैंने कितनी बार बताया आपको राफेल नडाल, ये दोस्तों कहाँ के हैं? स्पेन के हैं, और इन्हें किंग ऑफ द क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। किंग ऑफ द क्ले कोर्ट, किंग ऑफ द क्ले कोर्ट कहा जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
एमवी एक्सप्रेस पर्ल कार्गो शिप किस देश का है दोस्तों? ये है दोस्तों सिंगापुर का दोस्तों सिंगापुर का दोस्तों। ये जो सिंगापुर का जहाज दोस्तों ये गुजरात से, कहाँ से दोस्तों? गुजरात से नाइट्रिक ऑक्साइड लेके दोस्तों ये अपने देश जा रहा था। नाइट्रिक ऑक्साइड लेकर के दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरह का ये विस्फोट होता है, इसको लेकर के ये जा रहा था। और ये श्रीलंका के कोलंबो के पास इसके जो कंटेनर दोस्तों ये पानी में पलट गया और उसमें विस्फोट हो गया। उसी के कारण 7 दिन से दोस्तों इसके अंदर आग लगी हुई है। और अभी भारत की तरफ से एक वैभव और वज्र, कौन सा? वैभव और वज्र, ये जो शिप है दोस्तों ये इसकी आग बुझाने के लिए वहां पर मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसे आग लगी हुई है। और इससे पहले हिंद महासागर में तेल रिसाव के कारण आपातकाल घोषित किया दोस्तों, वो देश कौन सा है दोस्तों? वो देश है मॉरिशस। कौन सा है दोस्तों? मॉरिशस में भी तेल रिसाव कारण आपातकाल घोषित किया दोस्तों, वो है मॉरिशस। और मॉरिशस के अंदर ही भारत ने एक सुप्रीम कोर्ट का नया भवन का निर्माण किया दोस्तों। किसका? सुप्रीम कोर्ट का एक नए भवन का निर्माण किया है मॉरिशस के अंदर। इसको आपने ध्यान रखना है। भारत और सिंगापुर के बीच में दोस्तों कौन सा युद्ध अभ्यास किया जाता है? भारत और सिंगापुर के बीच में दोस्तों सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किया जाता है दोस्तों। कौन सा? सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास किया जाता है। देखो, आपको ये नहीं कि सभी कंट्रियों की आपने जो मिलिट्री एक्सरसाइज उसको आपने याद रखी है, नहीं। जो जो सुर्खियों में जो जो देश अभी है तो उनके जो उनसे रिलेटेड ही आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इससे आपने, इसलिए ये सभी जितना बता रहा हूँ मैं आपको, वो सब के सब आपने नोटबुक के अंदर लिखते चलना है। भारत में सर्वाधिक एफडीआई भी किस देश से आया था दोस्तों? हमें सिंगापुर से ही आया था। सबसे ज्यादा एफडीआई हमें कौन देश से आया था? सिंगापुर से आया था। सेकंड नंबर पे किससे किससे आया था? अमेरिका से आया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अमेजन के नए सीईओ कौन बनेंगे दोस्तों? अमेजॉन के नए सीईओ बनेंगे दोस्तों एंडी जेसी, ये अमेजॉन के नए सीईओ बनेंगे। इससे पहले सीईओ कौन दोस्तों? जेफ बेजोस जो दोस्तों इससे पहले अमेजॉन के सीईओ थे, ये दोस्तों एंडी जेसी। दोस्तों 27 साल तक 5 जुलाई 1994 को अमेजॉन की दोस्तों ऐप लॉन्च हुआ था, 5 जुलाई 1994 को। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? जेफ बेजोस इसके संस्थापक थे। और अभी जो 27 साल के बाद जो जेफ बेजोस इससे इस्तीफा देंगे, और 5 जुलाई 2021 को दोस्तों एंडी जेसी जो है अमेजॉन के सीईओ बनेंगे दोस्तों। और ये जेफ बेजोस दोस्तों कहाँ जाएंगे? ये बनेंगे दोस्तों एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, उससे भी बड़ा पद, सीईओ से दोस्तों बड़ा पद, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे दोस्तों। कौन बनेंगे? जेफ बेजोस। क्या बनेंगे दोस्तों? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे दोस्तों जेफ बेजोस। और इससे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको पहले बताया था और बताता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ दोस्तों सत्य नडेला। कौन दोस्तों? सत्य नडेला। एप्पल के सीईओ कौन दोस्तों? एप्पल के सीईओ कौन दोस्तों? ये है टीम कुक। कौन दोस्तों? टीम कुक। गूगल के सीईओ कौन दोस्तों? गूगल के सीईओ दोस्तों सुंदर पिचाई। ये सब लिखते चलना, सुंदर पिचाई दोस्तों गूगल के सीईओ। और स्पेस एक्स के जो सीईओ दोस्तों ये कौन है? एलोन मस्क। स्पेस एक्स के सीईओ कौन दोस्तों? एलोन मस्क जो है स्पेस एक्स के सीईओ है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में महिला और विकास मंत्रालय ने 9 देशों में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों? ये वन स्टॉप सेंटर है क्या चीज? जैसे महिलाओं को
अगर कोई महिला हिंसा प्रभावित हुई है, अगर कोई किसी महिला के ऊपर एसिड अटैक या रेप हुआ है, तो उनकी तुरंत सहायता के लिए वन स्टॉप सेंटर दोस्तों खोला जाता है। ये जो वन स्टॉप सेंटर दोस्तों, ये 9 देशों में 10 खोले जाएंगे दोस्तों। कितने? 9 देशों में 10 खोले जाएंगे। अभी आप बोलोगे 9 देशों में 10, तो एक कौन सा देश इसमें 2 खोल जाएंगे दोस्तों? वो है सऊदी अरब। कौन सा है दोस्तों? वो है सऊदी अरब। यहाँ पर 2 सेंटर खोले जाएंगे। तो इसका मतलब समझ गए आप, वन स्टॉप सेंटर का मतलब किससे है? जो भी महिला हिंसा प्रभावित हिंसा हिंसा से पीड़ित है, उनकी तुरंत सहायता के लिए इसको इस सेंटर को दोस्तों खोला जाएगा। दोस्तों ऐसे जो सेंटर दोस्तों ये जो है टोटल 10 खोले जाएंगे। भारत के अंदर ऐसे सेंटर कितने दोस्तों? भारत के अंदर जो है ऐसे सेंटर दोस्तों, भारत के अंदर दोस्तों, भारत के अंदर ऐसे सेंटर है तकरीबन 100 सेंटर दोस्तों। भारत के अंदर कितने? भारत में जो वन स्टॉप सेंटर दोस्तों 100 सेंटर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश के वर्तमान प्रशासक कौन दोस्तों? लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश के वर्तमान प्रशासक प्रशासक है जो है दोस्तों, ये है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। दोस्तों इनका जो है लक्षद्वीप में जोर शोर से इनका विरोध हो रहा है, इसका कारण मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ दोस्तों। इनका जो कहना है, लक्षद्वीप के अंदर आधारभूत संरचना के लिए मतलब विकास के लिए स्थानिक जो लोग है दोस्तों, अपने स्थान से हटाया जा सकता है। जो स्थानिक लोग है दोस्तों, इनको अपने स्थान से हटाया जा सकता है। किसके लिए? आधारभूत संरचना के लिए इनको अपने स्थान से हटाया जा सकता है। और किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक के लिए हिरासत में रख सकते हैं। और दोस्तों तीसरा का जो कारण दोस्तों, 2 से अधिक अगर बच्चे किसी के हुए तो उनका पंचायत सदस्य का सदस्यत्व जो है दोस्तों वो हटाया जाएगा। और ये जो दोस्तों यहाँ पर जो है इतने सारे इन्होंने यहाँ पर निर्बंध लगा दिए गए। और एक चौथा, अगर कोई किसी ने कोई जानवर मारना है तो वहां पर उस जानवर का पहले फिजिकल फिटनेस देना पड़ेगा, अगर तभी वो जानवरों को मार सकते हैं। तो दोस्तों ये इतने सारे प्रतिबंध लगाने के बाद वहां पर उनका लक्षद्वीप में इनका जोर शोर से विरोध हो रहा है। तो दोस्तों ये लक्षद्वीप और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है दोस्तों? ये है कवरती। क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप कैपिटल है कवरती। लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है दोस्तों? तो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ दोस्तों प्रवाल भित्ति से। किससे हुआ दोस्तों? प्रवाल भित्तियों से जो है लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। अरुम्या नामा पर्वत, जो पानी के अंदर से अरुम्या नामा पर्वत, ये जो ऊपर उठा हुआ पोर्शन है, इसी के ऊपर क्या दोस्तों? लक्षद्वीप है। और 9 डिग्री चैनल दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन आएगा 9 डिग्री चैनल कहां पर दोस्तों? 9 डिग्री चैनल जो दोस्तों ये है मिनीकॉम और कवरती। मिनीकॉम और कवरती के बीच में दोस्तों क्या है? 9 डिग्री चैनल। तो आपसे अगर पूछेंगे तो 8 डिग्री चैनल कहां पर दोस्तों? तो ये है मालदीव और मिनीकॉय। मालदीव और मिनीकॉय के बीच में दोस्तों क्या है? मालदीव और मिनीकॉय के बीच में दोस्तों 8 डिग्री चैनल है। और मिनीकॉय और कवरती के बीच में 9 डिग्री चैनल है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसीलिए इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17। इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के निदेशकों का कार्यालय कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया दोस्तों? ये बढ़ाया गया दोस्तों 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है दोस्तों। ये जो रिसर्च इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसका मतलब होता है दोस्तों रॉ। क्या होता है दोस्तों? रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
एक होता है दोस्तों रॉ और दूसरा होता है दोस्तों आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो। रॉ के जो अध्यक्ष दोस्तों ये सामंत कुमार, कौन दोस्तों सामंत कुमार, जो पाकिस्तान ने हमने सर्जिकल स्ट्राइक की दोस्तों तो उसके एक्सपर्ट कौन थे, ये सामंत कुमार ही उसके एक्सपर्ट थे। और दूसरे दोस्तों आईबी के जो दोस्तों अध्यक्ष है दोस्तों ये अरविंद कुमार, कौन दोस्तों अरविंद कुमार, ये इसके मान दे सके। दोस्तों इन दोनों को भी जैसे रॉ और आईबी के जो प्रमुख होते हैं इन दोनों को भी किस किस को रिपोर्ट देने पर दोस्तों, एक तो होता है इन दोनों को रिपोर्ट देनी पड़ती है, एक तो पीएम को रिपोर्ट देनी पड़ती है, सेकंड इनको होम मिनिस्टर को रिपोर्ट देनी पड़ती है, तीसरा इनको अजीत डोभाल, तो एनआईए की चीफ दोस्तों इन तीनों को भी रॉ को और आईबी दोनों को भी इनको रिपोर्ट देनी पड़ती है। ये दोस्त सामंत कुमार और ये कौन दोस्तों अरविंद कुमार, यही आप इनकी फोटो देख सकते हो। दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ आपको मैंने पहले बताया था सीबीआई के निदेशक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों, ये सुभाष कुमार जायसवाल। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की दोस्तों, तो ये कर दी है मध्य प्रदेश ने, किसने की दोस्तों मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर दोस्तों ये है शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के राज्यपाल दोस्तों आनंदीबेन पटेल। अंकुर योजना का संबंध दोस्तों वृक्षारोपण से, किसे दोस्तों वृक्षारोपण से इसका संबंध है, यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो में वृक्षारोपण से संबंध है। जैसे अगर आपने कोई वृक्ष लगा दिया तो आपने उसकी फोटो किसके वायुदूत ऐप पर, किस पर डालनी है, आपने वायुदूत ऐप पर आपने डाल देनी है और एक महीने के बाद फिर उस वृक्ष की आपने फोटो डाल देनी है, तो इससे आपको क्या मिलेगी, वहां पर पुरस्कार आपको दिए जाएंगे। तो ये दोस्तों कौन सा ऐप है, वायुदूत ऐप, वायुदूत ऐप पर आपने वो फोटो डाल देनी है पेड़ लगाते समय और एक महीने के बाद फिर डालनी है। दोस्तों इससे पहले और एक योजना चली थी प्यार का पौधा, कौन सा दोस्तों प्यार का पौधा, प्यार का पौधा, यह योजना कौन से राज्य ने चलाई दोस्तों, यह चलाई थी बिहार राज्य ने यह योजना चलाई थी। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हैप्पी हाइपोक्सिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, जैसे इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होता है, यह किडनी दिमाग दिल और अन्य प्रमुख अंग काम को प्रभावित करते हैं। दोस्तों ये जो है हैप्पी हाइपोक्सिया दोस्तों ये जो है इससे ऑक्सीजन की मनुष्य को ऑक्सीजन की दोस्तों कमी होती है, जैसे 50 से कम अगर इसका लेवल ऑक्सीजन लेवल 50 से कम है दोस्तों मतलब उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी ना खांसी बुखार ऐसे कोई भी लक्षण उसके अंदर नहीं होते हैं और उस मरीज का जो है ऑक्सीजन लेवल 50 से भी कम होता है दोस्तों, किससे होता है 50 से भी कम होता है, उसके अंदर कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं होते, इसके कारण भी हैं बहुत सारे मरीज डेथ हो रहे हैं। तो दोस्तों ये है इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत कम होता है दोस्तों, ये किडनी दिमाग दिल और अन्य प्रमुख अंग काम को प्रभावित करते थे, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों भी। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, भारत चीनी सेना की गतिविधियों को देखते हुए लद्दाख और येलोसी के इलाकों में हेरॉन ड्रोन तैनात किए जाएंगे, ये किस देश से आयात होंगे। दोस्तों ये जो हेरॉन ड्रोन है दोस्तों ये इसराइल से खरीदे जाएंगे और ये जो अपना लद्दाख जो एरिया है दोस्तों ये लद्दाख वाले एरिया में जैसे यहाँ पर गलवान घाटी जो आपने 2019-20 में आपने सुना होगा यहाँ पर जो है निगरानी के लिए इनको जो है तैनात किया जाए, किसको, हेरॉन ड्रोन को, जिससे हमें चाइना के जो सैनिकों की वहाँ पे जो हरकतें हैं वो हमें दिखाई देगी, इसके लिए वहाँ पर ये ड्रोन लगाए जाएंगे। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको करंट अफेयर दोस्तों पसंद आ गया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और
नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए नौकरियों की अपडेट और हमारी एकेडमी की अपडेट आपके तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।